सर, आज हिंदी दिवस है, कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, क्या लगता है क्या कार्यक्रमों के माध्यम से तो सिर्फ कार्यक्रमों तक ही सीमित है कि और भी इसी जरूरत है? हाँ है, और हिंदी दिवस का जो आयोजन है वो आज 4 साबित हुआ है और हिंदी की मान्यता है और इस देश में अपना हिंदी की जीत होगी, ये राजभाषा से राजभाषा तक जाएगा। आज भी में कुछ भावनाएं आती हैं कुछ जगह से, लेकिन अंततः जो है हिंदी जो है देश की आज़ादी से पहले ही 1946 में ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला हो चुका था, फिर संविधान में इसका उल्लेख आया, फिर उसके बाद 1953 ऑनवर्ड्स को इसको पूरी तरह स्थापित कर दिया गया और हमारा प्रदेश तो पूरा हिंदी भाषी प्रदेश है, हालांकि ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के अलग अलग बोलियाँ, लेकिन हिंदी सब बोलते हैं, सब समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत इस देश में राज्य है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है और कई राज्य हैं जो कि पूरी तरह हिंदी भाषी राज्य हैं और हिंदी के चाहे वो मीडिया जगत ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अखबारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हिंदी फिल्मों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आज भी हिंदी जो है इंटरनेट पे अगर देखा जाए तो 80% लोग जो हैं जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो हिंदी में अगर सर्च मार रहे हैं तो वो हिंदी के को देख रहे हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं और हिंदी के प्रति मानता है, ये हम सबको जोड़ने की भाषा है, विदेशों में भी हमारे लोग रहते हैं वो भी आपस में जो है हिंदी के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो इसलिए हमें इसको सिर्फ औपचारिकता से बाहर निकालना है। इस साल भी अच्छा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, बहुत जो हमारे 3 वक्ता थे उन्होंने जो है बहुत बढ़िया वक्तव्य यहाँ पर रखे और हिंदी के लिए क्या किया जाना चाहिए ऐसा मार्गदर्शन भी मिला। मैं हिंदी के हमारे शिक्षक हैं, स्कूलों में शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, चैनल्स की दुनिया के लोग हैं। अगली दफ़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है 14 सितंबर को हम आयोजित करेंगे, उसकी बुनियाद इस कार्यक्रम के माध्यम से रखनी है। सर, आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, हिमाचल में भी कर सकते हैं, तो क्या इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी? नहीं देखो, सिर्फ न्यायालयों की बात नहीं है, सचिवालय की भी बात है। देखो, विज्ञान की भाषा, कानून की भाषा, सचिवालय की भाषा, इन सब में हमें कुछ ना कुछ बोलचाल की भाषा तो है, हिमाचल प्रदेश में तो ये हिंदी एक स्थापित भाषा है, लेकिन इसके स्तर से हमें दूसरे स्तरों पर लेके जाना है, उसके लिए हमें प्रयास करने हैं और हम निरंतर प्रयास करेंगे हिंदी को भाषा की का प्रसार और हो, मान्यता और हो और हम इसको जिस भी माध्यम से आगे बढ़ा सकें हमारे प्रयास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।